दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने भी अगर पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो किस तरह से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा अपने सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट का जो है अकाउंट बैलेंस वह मिनी स्टेटमेंट आप कैसे जो है बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे आप अपने अकाउंट का अकाउंट बैलेंस वो जो है मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें वह वीडियो में बताए हुए स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी अपने अकाउंट का जो है इजीली चेक करें तो इस उसके लिए आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ दोस्तों आपको अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट व बैलेंस इंक्वायरी के लिए आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो चाहे आपके पास फ़ोन हो या लैपटॉप हो आपको सबसे पहले जो है किसी भी ब्राउजर का सर्च बॉक्स को ओपन करना है ओपन करने के बाद ब्राउजर में आपको टाइप कर देना है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये जो है पोस्ट ऑफिस का ही एक बैंक होता है तो इसके द्वारा मैं जो है आपके अकाउंट का जो है बैलेंस व मिनी स्टेटमेंट जो है चेक करने का फुल प्रोसीजर बताऊँगा तो जैसे ही आप दोस्तों करोगे इस तरह का जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है वेबसाइट इस तरह से आपके सामने पेज खोल के शो हो जाएगा अभी हमारे को क्या करना है इस पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में इसमें जो है एक सर्विस का ऑप्शन आएगा तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके और आप अपने अकाउंट का जो भी आपको क्यूरी जानना है अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट वो आसानी से जान सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप ऑप्शन आ जाएगा सर्विस थ्रो आई इंडिया पोस्ट तो इस ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे क्लिक करते ही जो है इसका इंडिया पोस्ट पे पेमेंट बैंक का जो है नेक्स्ट पेज जो है हमारे सामने खुल के शो हो जाएगा तो आपको पेज लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको थोड़ा सा इसमें इंतजार करना है इंतजार करने के बाद देख सकते हो दोस्तों आपको जो इंडिया पोस्ट का है वो पेज इस तरह से खुल के आपके सामने शो हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सर्विस थ्रो आई पी इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो हमारे को जो है नीचे वाले ऑप्शन है जो पी ओ पेमेंट्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा हमारे को ये जो है एक दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देगा और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है हमारे सामने पेज खुल के इस तरह से शो हो जाएगा पेज को हमारे को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है जहां पर पर्सनल के नीचे थ्री लाइन है थ्री लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो कई सारी जो इस सर्विसेज है जो खुल के श्यो हो जाएगी अभी आप इसमें देख सकते हो एक ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट्स का तो पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है तो जैसे ही मैं पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा क्लिक करते ही फिर जो है मेरे सामने कई ऑप्शन खुल के श्यो हो जाएंगे तो इसमें एक डोब डी ओ पी प्रोडक्ट पेमेंट्स का जो है ऑप्शन आ जाएगा तो हमारे को इसके ऊपर डी प्रोडक्ट्स पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे क्लिक करते ही फिर देख सकते हो इस तरह का पेज आ गया इसमें हमारे को क्लिक हीयर फिर फोर पी ओ एस बी सेवा ई पासबुक यानी हम जो भी जो है ई पासबुक सेवा के द्वारा जो है हम अपने अकाउंट का बैलेंस व मिनी स्टेटमेंट जो है चेक कर सकते हैं तो हमारे को जो क्लिक हीयर फॉर पी ओ एस बी सेवा इसके ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसको इंटरफेस को जो ओके है हमारे को ओके कर देना है तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करूँगा ओके करते ही नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर लॉग होने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो कैप्चा है नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा वाले बॉक्स में हमारे को कैप्चा फिल कर देना है जैसे ये दो चीज़ आप फिल कर दोगे फिल करने के बाद नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है इसको हमारे को लॉगिन कर देना है तो मैं इसमें ये दोनों चीज़ इंटर करने करने कर दे देता हूँ एंटर करने के बाद लॉगिन कर देता हूँ जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने इसमें एंटर किया था उसके ऊपर एक सिक्स डिजिट का ओ आ जाएगा तो जो ओ के छः बॉक्स बने हुए हैं ओ हमारे को इन बॉक्सों में इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद में जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है इसको हमारे को जो है सबमिट कर देना है तो मैंने ओ टी पी हो गई है मैं ओ को एंटर कर देता हूँ और इसको जो है सबमिट कर देता हूँ जैसे ही सबमिट करने के बाद इस तरह से जो है पेज खोल के पी ओ एस बी ई पासबुक क्लिक हीयर तो यहाँ पर जो क्लिक हीयर का ऑप्शन है इसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है जैसे ही मैं क्लिक हीयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा क्लिक करते ही आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज इस तरह का शो हो जाएगा इसमें आपको अपनी स्कीम चूज करनी है अकाउंट नंबर एंटर करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट के साथ लिंक है वो और जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा तो आप देख सकते हो दोस्तों आप घर बैठे पोस्ट ऑफिस की चाहे कोई भी स्कीम हो चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे आर हो चाहे आपका टाइम डिपोजिट हो चाहे एम हो चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो चाहे आपका इसमें पी हो यानी इसमें आपका कोई भी अकाउंट है आप उसका जो है आसानी से अपना बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट do é? पता कर सकते हो तो ये पोस्ट ऑफिस के पूरे हैं आपको इसको करके और पता कर सकते हो तो अभी हमारे को इसमें सीनियर सिटीज़न का पता करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है अपना जो अकाउंट नंबर है अभी देखो मैंने स्कीम टाइप में जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया अभी जो अकाउंट मेरे को फिलअप करना है अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो कैप्चा दिया हुआ है दोस्तों वो मेरे को जो है इसमें कैप्चा जो है बॉक्स में जो कैप्चा एंटर कर देना है तो मैं ये पूरा प्रोसेस कर लेता हूँ और कर लेने के बाद पेज को ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है वो वेरीफाई कर देना है तो दोस्तों मैंने कैप्चा कर दिया है करने के बाद जो है कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे मेरे इसको जो है कंटिन्यू कर देता हूँ कंटिन्यू करने के बाद लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर आपने जो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था उसके ऊपर फिर एक ओ रिसीव होगी सिक्स डिजिट की वो हमारे को जो है ओ इसमें इंटर कर देना है छः बॉक्स बने हुए छः बॉक्सों में हमारे को जो है ओ एंटर करना है और जो वेरीफाई का ऑप्शन है दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो बैलेंस इंक्वायरी का भी ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट पता करना है तो उसका भी ऑप्शन है जो आपको पता करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जैसे मैंने बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस तरह से बैलेंस शो हो गया तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे ही अपने जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट का बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट पता कर सकते हो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद थैंक यू दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें वह मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन थैंक